दिल्ली सरकार ने यमुना किनारे छठ पूजा करने पर पाबंदी लगा दी है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निर्णय को लेकर पूरे देश में राजनीति तेज हो गई है। खास तौर पर बिहार में इसका खासा असर पड़ रहा है। बिहार के बीजेपी नेताओं ने एक सुर में इसका विरोध किया है। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी, बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने केजरीवाल सरकार के इस निर्णय का विरोध किया है। बीजेपी नेता बचौल ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल पहले अयोध्या राम मंदिर को लेकर कहते थे कि जो मंदिर टूट गया वहाँ पूजा नहीं करनी चाहिए, भगवान वहाँ नहीं होते। अब अयोध्या जाकर दो दिन तक उन्होंने पूजा अर्चना की। अरविंद केजरीवाल जैसे लोग लाखों लोगों की आस्था से खेलते हैं, लेकिन पूरे पूर्वांचल के लोग आस्था के प्रतीक छठ को यमुना किनारे मनाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। वहीं दिल्ली सरकार के इस निर्णय के बाद उत्तर पूर्वी दिल्ली के बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी इसका विरोध किया है। अरविंद केजरीवाल जी छठ पूजा का परमिशन देने के बाद फिर से उसमें किंतु परंतु लगाना, यमुना तट पे प्रतिबंध लगाना, ये छठ के प्रति और पूर्वांचल के इस त्योहार के आस्था के प्रति ये बड़ा खिलवाड़ है। इससे और कुछ नहीं हो रहा है, इससे आपकी हिंदू त्योहार विरोधी मानसिकता नजर आ रही है। मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि इस तरह की कोई भी प्रतिबंध ना लगाए। पूरे देश में छठ पूजा कोरोना गाइडलाइन में हो रही है, वैसे ही दिल्ली में भी होना चाहिए। आपको पता नहीं क्यों हिंदू त्योहार को कुचलने की इतनी जल्दी पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों को पूर्णतया बैन नहीं कहा, लेकिन आप उसमें शुरू हो गए पूर्णतया बैन करो, पुलिस लगाओ, ये ऐसे कुचलो, ये मानसिकता ठीक नहीं है। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस पे तुरंत पुनर्विचार करिए और दिल्ली में भी छठ लोगों की आस्था को परवान चढ़ने दीजिए, उनको खुशी के साथ छठ मनाने दीजिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि यह पूर्वांचल के धार्मिक आस्थाओं के साथ खेल हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह जानकर मैं हैरान हूं कि दिल्ली सरकार ने यमुना के तट पर छठ पूजा पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया है। ये पूर्वांचल के लोगों की धार्मिक आस्थाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास है। अरविंद केजरीवाल की हिंदू विरोधी नीति बेनकाब हो रही है, हम पूर्वांचली इसे स्वीकार नहीं करते। वहीं पश्चिम दिल्ली के सांसद परवेश साहब सिंह ने भी इसका विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि छठ पूर्वांचल के भाइयों और बहनों के लिए सबसे बड़ा त्योहार है, उस पर प्रतिबंध लगाना उनकी मान्यताओं के साथ खेलने जैसा है। उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल जी, मैं खुद यमुना में जाऊंगा और सुनिश्चित करूंगा कि छठ पूजा वहां हो, अगर आप मुझे रोक सके तो रोक लीजिए। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आदेश जारी करते हुए यमुना नदी के किनारे को छोड़कर दिल्ली के कुछ स्थानों पर ही छठ पूजा की अनुमति दी है। प्राधिकरण के मुताबिक श्रद्धालु पूजा करने और पूजन सामग्री को प्रवाहित केवल चिन्हित स्थानों पर जाकर कर सकेंगे। यमुना नदी में किसी भी प्रकार का सामान प्रवाहित करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। यमुना नदी किनारे छठ नहीं करने का निर्देश जारी किया गया है।